नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, यदि आप किसी स्त्री को अपने प्यार में उसे बेचैन करना चाहते हैं, यदि आप उसे जीवन भर गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, तो ये चीज को माथा में लगाकर जैसे ही उस स्त्री के नजदीक आप जाइएगा, वो पलक झपकते ही वो स्त्री आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी। वो आपका प्यार में तड़पने लगेगी और आपसे बात करने लगेगी और आपसे मिलने के लिए परेशान रहेगी। तो आखिर ये कौन सा चीज है जो कि माथे पर लगाकर जाने से ही उसकी प्रभावशाली प्रभाव दिखने को मिलता है? यह काफी चमत्कारी वस्तु है और बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। यह वस्तु के द्वारा आप हर प्रकार के वशीकरण क्रिया को कर सकते हैं। यदि आपके मन में अगर ये सवाल उठता है कि वशीकरण कैसे किया जाता है, किसी स्त्री को वशीकरण कैसे किया जाता है, किसी स्त्री को वशीकरण कैसे करे, तो इससे सबसे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये इतनी दुर्लभ, इतनी प्राचीन और इतनी शक्तिशाली वशीकरण वस्तु है। इस वस्तु के द्वारा आप आसानी से किसी भी महिला का प्यार को आप पा सकते हैं, किसी भी औरत का प्यार को आप पा सकते हैं। तो आखिर इसको ये कहाँ मिलेगी, इसका प्रयोग कैसे करना होगा, इसकी विधि क्या है, मैं पूर्ण रूप से आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और आप कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, इस चीज को प्रयोग जो है तभी कीजिएगा जब आप सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं, तभी इस प्रयोग को आप करें, अन्यथा गलत प्रयोग में इसका उपयोग ना करें। तो आपको इस चीज को छोटा सा कोई मंत्र मैं बताऊंगा, उस मंत्र को 108 बार बोल करके इस चीज को सिद्ध कर लेना है। इस चीज को क्या करना है, आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान में या पंसारी की दुकान में जहां भी जड़ी बूटी का सामान मिलती है, वहां पर आपको यह वस्तु बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और 10-20 रुपया का सामान है, इसको आपको ले लेना है। इसके साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। कुमकुम हल्दी का पाउडर के साथ में इस चीज को पाउडर बना करके डस्ट करके आप हल्दी का पाउडर और कुमकुम के साथ मिला दीजिएगा। मिला देने से इसकी पावर जो है 100 गुना से भी अधिक बढ़ जाती है। मिला करके आपको इसको क्या करना है और कैसे करना है, तो आप हमारे वीडियो में अगर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आया है, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले इसकी क्रिया जान लीजिए, उसके बाद आपको इस वस्तु का नाम मैं बता दूंगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा कुमकुम शुक्रवार के दिन में रात के समय। शुक्रवार के दिन में रात के समय 11 बजे के बाद आप नहा धो करके शुद्ध कपड़ा पहन करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाए, और बैठ जाने के बाद में ये तीनों सामग्री को एक कोई भी प्लेट के ऊपर में, चाहे कांसा का हो या पीतल का हो या चांदी का हो, स्टील छोड़ करके इस प्लेट के या कटोरे में रखना है और रख करके इस मंत्र को बोलना है।
अयं ह्रीं रक्त चामुंडा सर्व स्त्री मम वश्यम वश्यम कुर्कुसाहा। अयं ह्रीं श्रीं रक्त चामुंडा सर्व स्त्री माम वश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। आयं ह्रीं श्रीं रक्त चामुंडा सर्व स्त्री माम वश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। उसकी तरफ देख करके आपको इस मंत्र को बोलना है। जहां पर अमुक शब्द का प्रयोग बता रहा हूं वहां पर उस स्त्री का नाम भी आप ले सकते हैं, अन्यथा जब प्रयोग कीजिएगा तो उस समय उसकी नाम सात बार लेकर के आपको लगाना है आपका माथे में। तो आपको इस चीज का नाम पहले बता दूं रहा, उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है लाल गुंजा। लाल गुंजा एक फल होती है और उस फल के अंदर से ही ये बीज निकलती है, वो पूरी तरह से लाल रहेगा। तो लाल गुंजा का फल आप किसी पंसार की दुकान में आपको मिल जाएगी, उसको ले आइएगा और पीस करके डस्ट कर पाउडर बना करके हल्दी का पाउडर और आइस कुमकुम के साथ मिला करके आपको जो है जब प्रयोग करना हो तो इसको आपको सात बार उस स्त्री का नाम लेकर के और तिलक लगा करके उस स्त्री के पास आप चले जाइए। मन चाहे स्त्री के पास चले जाइए, स्त्री आपको देखते ही आपके ऊपर में फिदा हो जाएगी और आपका मोहब्बत में दीवानी बन जाएगी और आपके पीछे पीछे घूमेगी। ये बहुत ही अति शक्तिशाली प्रभावशाली तिलक वशीकरण टोटके है, इसको आप प्रयोग करें। इसी आशा रुमित के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।